Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक और डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल नई है. आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी है डिज़ाइन, हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी. तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं. कलर अपने आपको हमने दिखाया है लेकिन आपको उसका नंबर वगैरह नहीं बताया है. अभी मैं आपको ये कलर जो लगा रही हूँ उसको बता देती हूँ मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ. तो हमने यहाँ पे जो ब्रश लिया है वो 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है और जो कलर अभी मैं फील कर रही हूँ वो सैव ग्रीन है. और साथ ही इसके हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर के साथ हमने वाइट कलर लिया है. सैव ग्रीन, डार्क ब्राउन एंड वाइट, ये 3 कलर से हमारी जो है लीफ तैयार होगी और इसे हम अपनी पेंटिंग बनाएंगे. काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है हमारी लीफ का. आप देख सकते हैं एक लीफ बनी हुई है, दूसरी लीफ में बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि किस तरह से हमारी लीफ बनेगी. सबसे पहले हमें क्या करना है, लीफ को फील करना है, जैसे कि हमने लीफ को फील कर लिया है. और ये देखिए ये डार्क ब्राउन शेड है और इसको हम जहाँ पर हम ब्लू कलर का डार्क शेड देते हैं हर लीफ में उसी जगह यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड दिया. और ये ब्राउन शेड लगाने के बाद हमारी लीफ का जो लुक है बहुत ही प्यारा सा आ रहा है, आप देख सकते हैं. और लीफ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है लीफ. आप देख रहे होंगे कि ये लीफ बनी है हमारी और क्या पता वीडियो में डार्क शेड आ रहा हो लेकिन सामने से बहुत ही अच्छी लग रही है. आप अगर आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लीफ का क्या शेड है और कैसी दिख रही है वो. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने ब्राउन का शेड कैसे दिया और बिल्कुल उसके जैसा हमारा ब्राउन शेड लगाएंगे हम, उसके अपोजिट हम अपना वाइट कलर लगाएंगे. यानी कि अगर हम नीचे से ब्राउन लगाए हैं तो आप ऊपर से हमारा वाइट शेड रहेगा और अगर ऊपर से हमने ब्राउन शेड लगाया है तो नीचे से हमारा वाइट शेड रहेगा. तो दोनों शेड एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें शेड देना है. और फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर करके देखें. आप अगर पूरी वीडियो डिटेल्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सारी डिटेल्स समझ में आएगी किस तरह से आपको मतलब पेंटिंग करना है, कैसे क्या यूज़ करना है. अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो आप कितना भी सीखना चाहेंगे आपको नहीं आ पाएगा. तो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें. अगर आपको एक लीफ अगर आप ध्यान से देख लेंगे कि किस तरह से बनी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनी है. और फ्लावर भी आप एक अच्छे से देखें, पूरा देखें ताकि आपके बनाने में भी आसानी हो और आपके समझने में भी आसानी हो. तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें. और आपके जानकारी में जो लोग सीखना चाहते हैं उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और हमारी वीडियो उन्हें शेयर करें ताकि वो भी देख के हमारे चैनल से पेंटिंग को सीख पाएँ, सीख सकें. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीफ हमने बना ली है, दूसरी लीफ भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. अगर आपने एक लीफ में आपको समझ में आ गया है तो आप इस लीफ को भी स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है. और अगर आप हमारे यहाँ से डिज़ाइन वगैरह मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं. हम वीडियो में अपना नंबर डाल देंगे, मतलब व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी कैसे क्या करना है. अगर आप डिज़ाइन मंगाना चाहते हैं या फिर बेडशीट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको सब चीज़ हमारे यहाँ से मिल जाएगी. डिज़ाइन भी मिल सकती है, बेडशीट भी मिल सकती है. बेडशीट के लिए ऑर्डर करना पड़ता है जो हम तैयार करते हैं, उसके बाद आपके घर तक भेजते हैं पोस्ट के ज़रिए, ठीक है. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो घबराते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा या पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. फ्रेंड्स, हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से बेडशीट ऑर्डर पे बनवाई है, मंगाई है. अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो सब भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कि आपने हमारे यहाँ से बेडशीट मंगवाया है और आपको बेडशीट डिज़ाइन पेंटिंग कैसी लगी, ये सब भी बताएं. उसमें क्या फिनिशिंग है, कैसी है, ये सब आप जानकारी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सबको यकीन भी होगा और सब हमारा जो काम है वो और आसान हो जाएगा. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डरते हैं, इस वजह से नहीं बनवाते.
तो अगर आप हमारे बारे में बताएंगे, हमारे कमेंट में कमेंट कर देंगे कि आपने हमारे यहाँ से बनवाया है और हमारा वर्क, हमारा काम कैसा है, तो सबको यकीन भी आएगा और हमारा काम आपकी वजह से इंशाल्लाह अच्छा और अच्छा चलने लगेगा। अच्छा तो चल ही रहा है, आप सबकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, और जैसे आप बताएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे लीफ वगैरह का थोड़ा थोड़ा कॉर्नर से है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा दोनों शेड मिक्स करके ब्राउन शेड और जो सैप ग्रीन शेड है दोनों मिक्स करके इस तरह से हल्के हल्के शेड डाल दिए हैं, जिससे हमारे जो लीफ की खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अभी तो मैं आपको फ़्लावर बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो आप देख सकते हैं हमारे लीफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप इसे चाहें तो बेड शीट का कॉर्नर से भी तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप सर्कल शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं फ़्लावर में हमारे 3 फ्लावर बीच में बचे हुए हैं और किनारे से सारी लीफ बनी हुई है और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आपको दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। फ़्लावर मैं आज करके आपको एक दिखाऊँगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको तीनों फ्लावर एक साथ दिखाती। तो 2 फ्लावर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए एक फ्लावर बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है, एक बार फिर बता देती हूँ। और जो ये शेड मैं लगा रही हूँ ये पिंक कलर है, देखिए ये पिंक कलर है। साथ ही हमने इसके लिए देखिए पिंक कलर है, अभी मैं दूसरा कलर लगाऊँगी तो उसका नाम बताऊँगी। पिंक कलर हमने लगा लिया है और इस तरह से शेड बनाने के लिए आपको जल्दी जल्दी थोड़ा पेंटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो शेड यहाँ पे मुंबई में काफ़ी जल्दी हमारे शेड जो हैं सूख जाते हैं और उसके शेड बनते नहीं हैं जल्दी, तो इसके लिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। काफ़ी हमारे कलर बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा कलर लगा रही हूँ मैं वो मजेंटा कलर है और काफ़ी खूबसूरत कलर होता है ये। हमने पिंक कलर में डार्क शेड जो दिया है वो मजेंटा कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लगा के उसको हमें पिंक कलर के शेड पे फील करना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, सामने से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा फ्लावर। वीडियो का क्या है, वीडियो तो कुछ भी आ जाता है, सही आता भी नहीं है। जब से मैंने अपनी ये न्यू मोबाइल ली है, महंगी तो है बट इसमें जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो दिखती नहीं है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो आती ही नहीं है। तो इस वजह से लगता है मेरा चैनल भी बहुत पीछे जा रहा है और लगता है फ़्लावर वगैरह किसी को पसंद नहीं आ रहे कलर। तो आप अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा कलर है, कैसा शेड है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो में फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा अच्छा सा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने 2 शेड लगाया था, ऊपर से वाइट शेड लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कलर लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह के जब फ्लावर बनाए ना तो वाइट शेड थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी हमारे फ्लावर जो पंखुड़ी की जो कटिंग रहेगी उसको हम ऊपर से बनाते हुए शेड को नीचे की तरफ उसको अच्छे से एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छे से जब मिक्स होकर आएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश को काफ़ी दबाते हुए हमें शेड को देना है, ऊपर से हम दबाएंगे नीचे जाके हल्का करेंगे तो हमारा शेड बहुत ही अच्छा बनता है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे यहाँ पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बाबू चुन्नी में माज अपार्टमेंट में रहती हूँ। अगर आप यहाँ भी मंडी से हैं अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं सिखाऊँगी। इंशाल्लाह आप सामने से सीखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें अगर आप भी मंडी से हैं, बाबू चुन्नी में मैं रहती हूँ माज अपार्टमेंट में, एक बार फिर बता देती हूँ माज अपार्टमेंट पे रहती हूँ। अगर आपको सीखना होगा तो आप मुझे वीडियो में मैंने नंबर डाला हुआ है उसमें आप कमेंट करिएगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी कैसे आपको क्या करना है और कब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो 2-3 अगर 2-3 मेरे सीखने वाले 2-3 लोग मिल जाएंगे तो भी मैं काम स्टार्ट कर दूंगी।
एक दो लोग नज़र में आ गए हैं, मतलब सिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि दो तीन लोग और मिल जाएँ तो मैं अपना काम जो है स्टार्ट करूँ। यहाँ पे भी मैं शिफ्ट हुई हूँ, इसकी वजह से थोड़ा जानने में सबको टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं हमारे यहाँ, आप सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलर रहती नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम रहती हूँ, उसी टाइम में सिखाऊँगी, फिर मेरा अपना हो जाएगा तो मैं उसमें जाऊँगी तो अपना सिखाऊँगी फिर, ठीक है। तो नंबर हमने वीडियो में डाला हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो आके हमारे यहाँ सीख भी सकते हैं, ठीक है। आपको फ्लावर समझ में आया या नहीं आया, चलिए मैं आगे की जो पंखुड़ी है उसमें आपको बना के आपको समझा देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पिंक कलर फील करना है, देखिए इस तरह से नीचे की साइड से पूरी लीफ में हम पंखुड़ी में हम जो है इस तरह से कलर को फील करेंगे, देखिए इस तरह से हमें फील करना है। और यहाँ पे देखिए वाइट शेड लेना है, और ऊपर भी जो भी हमारा जो हमारी पंखुड़ी की जो कटिंग रहेगी उस पर हमें कलर वाइट कलर लगा देना है, और उसके बाद ब्रश के मदद से हमें देखिए इस तरह से शेड को ऊपर जब इस तरह से कलर लगाएंगे वाइट कलर, उसके बाद ब्रश को ऊपर दबाएंगे और नीचे की तरफ जब लाएंगे हम उसको हल्का करेंगे ब्रश को, ताकि हमारा जो शेड है ऊपर डार्क आए और नीचे लाइट आ जाए, इस तरह से देखिए किस तरह से। और जिस तरफ से हमारी पंखुड़ी का घुमाव रहेगा उसी तरफ से हम शेड को भी अपना जो हमारा शेड है उसको हम अपने शेड को भी घुमाएंगे, देखिए इस तरह से। ये सब जो फ्रेंड्स हैं ये सब नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी पेंटिंग में जो लुक आना चाहिए वो नहीं आता, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो अगर आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आपको शेड समझ में आ गया तो आप बहुत ही अच्छी पेंटिंग करने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अगर एक पिलो रोज सेट आप एक शेड पिलो कवर का एक सेट रोज़ बनाएंगे, एक पिलो कवर अगर पेंटिंग करेंगे तो भी आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आपके ज़रूरी नहीं कि आप पैसे पे ही बनाओ, अगर आपके आजू बाजू में कोई है उसको वो बनवाना चाहता है तो उसका भी आप बना के अपने हाथ में फिनिशिंग ला सकते हो। मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, मुझे इतना शौक़ था बनाने का पेंटिंग करने का, तो मैं जिसका भी रहता था अगर कोई मुझसे बोलता था तो मैं ऐसे ही करती थी, पहले उनका बनाती थी, अपना कलर वगैरह सब मैं अपना लगाती थी, सिर्फ मुझे सीखना था। इतनी अंदर मेरी चाहत थी पेंटिंग करने की कि अपना सब कलर वलर ला के रखती थी, और दूसरे की मतलब चादर वगैरह जो भी रहता था दूसरे का रहता था उसको मैं कर देती थी और उसको दे देती थी, तो मेरे हाथ में फिनिशिंग हो गई। और आज मैं जितना फ्री में की थी उससे ज़्यादा अल्लाह ताला मुझसे देता है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके भी हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी और माशाल्लाह से आप अच्छे से पेंटिंग भी सीख जाएंगे, आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो आपके अंदर अगर सीखने का हौसला है तो आप बहुत ही जल्दी पेंटिंग सीख जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए पेंटिंग को ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरह से आपको पेंटिंग करनी चाहिए। अगर आप इसमें जाएंगे किस तरह से करना चाहिए, अब इसमें रोज़ करेंगे तो आपको उसमें खुद अपने आप से समझ में आएगा कि हमें कैसे सेट को देना है, कैसे करना है, कौन सा सेट हम कहाँ डालेंगे तो अच्छा लगेगा। जब आप उसमें किसी काम में जाते हैं ना तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आने लगता है कि कैसे हम करेंगे तो कि कितना हमें कितना अच्छा ये बनेगा, कैसा दिखेगा, ये सब आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो किसी के बताने से नहीं आता है, आप मतलब अगर देख रहे हैं कि इस तरह से किया जा रहा है तो उसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे और उसको अपने आप से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा बनाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। और हमारी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने न जाने अनगिनत वीडियो अपलोड की है, वो सब वीडियो को देखने की कोशिश करें,
थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको डिटेल्स जानना है कि कैसे क्या चीज़ हमें यूज़ करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है पेंटिंग, तो उसके लिए भी हमने अपने चैनल पे जो है क्लासेस भी अपलोड किए हैं। आप 1, 2, 3, 4 क्लास देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपको पेंटिंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पंखुड़ियाँ हमारी पूरी हो गई हैं और 5वीं पंखुड़ी हमारी बाकी है, इसको भी हम बनाएंगे। तो चारों पंखुड़ी में हमारा एक जैसा शेड था, लेकिन जो 5वीं पंखुड़ी है उसमें हमारा शेड थोड़ा अलग रहेगा। तो उसको भी आप देखिए कि किस तरह से, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो समझदार रहते हैं उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो लोग, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा शेड हमने जो सारी पंखुड़ियों में किया है उसका अपोजिट रहेगा इसमें। तो जैसे कि हमने सारे शेड में, सारी पंखुड़ियों में वाइट शेड ऊपर डाला है, इसमें अंदर की साइड रहेगा। अब जैसे हमारा जो बाहरी पोर्शन है पंखुड़ी का, जो बाहरी पोर्शन है वहाँ पे हमने वाइट शेड डाला है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमने पिंक कलर का शेड डाल दिया। इसी तरह से हमें बनाना है, यहाँ पे डायरेक्ट पिंक कलर शेड डालेंगे और उसको अंदर के साइड शेड में डालेंगे। जैसे भी पंखुड़ी का घुमाव रहेगा उसी तरह से हम इसको शेड करेंगे अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से। और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा खाली रखेंगे। पहले मैं आपको ये शेड लगा के बताती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारा गैप रहेगा, उसमें हम वाइट कलर का शेड डालेंगे, देखिए इस तरह से। और बिल्कुल इस तरह से कलर लगाना है, और जिस तरह से हमने हर पंखुड़ी में बाहर से शेड दिया था उसी तरह से इसमें हमें अंदर से शेड देना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारी पंखुड़ी है नीचे साइड की वो हमारी तरफ मुड़ी हुई है। शेड को थोड़ा अच्छे से बनाएं। और ये शेड का कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है बनाने में, जल्दी बनता नहीं है। तो इसमें चलिए फिनिशिंग दे लेते हैं, थोड़ी सी वाइट शेड डालेंगे और उसके बाद इधर भी फिनिशिंग डालेंगे। अब शेड को नीचे तक फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर डार्क शेड रहेगा और इस तरह से वाइट थोड़ा मतलब ज़्यादा रहेगा, देखिए इस तरह से। अब हमें एक जो हमारा मजेंटा कलर है उसको हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ब्रश को वॉश कर लेंगे। वाइट कलर हमने लगाया है तो डार्क शेड जो हम लगाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा, इसके लिए ब्रश को वॉश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मजेंटा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्लावर हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब बीच वाला पार्ट हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बीच वाला पार्ट भी हम आसानी से आपको बताते हैं। आपको उसके लिए 0 नंबर या 1 नंबर का पेन ब्रश लेना है, जिससे हमें बारीकी देने में काफ़ी आसानी रहेगी। और थोड़ा सा ब्रश अगर आपका बिखरा हुआ होगा तो आपका पतला शेड नहीं बनेगा। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। वाइट शेड लेंगे, वाइट कलर, और ये देखिए हमारा पतला ब्रश है, इसको हमने लिया है। बनाने में परेशानी होती है, ये जो हमारा हमें चाहिए वो बन नहीं रहा है, देखिए बहुत इसको बारीक बनाना है, ब्रश थोड़ा बिखरा है इसके लिए नहीं बन रहा है। देखो इस तरह से बारीक बारीक शेड करेंगे, और अगर आप थोड़े और बड़े कर सकते हो तो और बड़े कर सकते हो, बड़ा रहेगा और ज़्यादा दूर तक बिखरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लावर में इसे और अच्छा बना के दिखाऊंगी मैं। इसमें तो थोड़ा मोटा उटा थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन नेक्स्ट फ्लावर में मैं आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगी ये किस तरह से बनाना है। देखिए हमारी पेंटिंग जो है तैयार हो गई। आपको कैसी लगी पेंटिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
और हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करें, हमारी वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी हर वीडियो को देख पाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, और दोनों फ्लावर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी आपको, इंशाल्लाह बहुत जल्द भी वीडियो अपलोड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।